लाखों शिक्षकों को सरकार जो है जो वादा किया उनको पूरा करना पड़ेगा। हमारे जो बीच नियोजित शिक्षक हैं उनको राजकर्मी का दर्जा देना होगा। जान लीजिए हमारे शिक्षक को कोई तनिक भी रेप आएगा तो पूरा आंदोलन बिहार भर में फैल जाएगा। जान लीजिए आग लगा देंगे पूरा बिहार में। जान लीजिए उनको तुरंत निर्णय लेना चाहिए कि लोकतंत्र में जो नियम है उनके अनुसार उनको वार्तालाप करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं निखिल त्रिवेदी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे शिक्षकों से मिलने। भाजपा के MLC जीवन कुमार पहुंच गए हैं, शिक्षकों के बीच में जा रहे हैं। जी बिल्कुल जा रहे हैं। हमारे सारे शिक्षकों को यहाँ पर जो धरना दे रहे हैं उनको प्रताड़ित करने का सरकार काम कर रही है, तो ये संविधान में कहीं से भी नियम है कि हमारे शिक्षकों को आप प्रताड़ित करेंगे। लोकसभा में फंडामेंटल राइट मिला हुआ है आर्टिकल 19 में कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिसको कि हमारी फंडामेंटल राइट का हनन हो, तो आप कैसे हमारे शिक्षकों को आप प्रताड़ित करिएगा? ये नहीं शिक्षक का होगा क्या ये बताइए। लाखों शिक्षकों को सरकार जो है जो वादा किया उनको पूरा करना पड़ेगा। हमारे जो बीच नियोजित शिक्षक है उनको राजकर्मी का दर्जा देना होगा। कोई उपाय नहीं सरकार के पास, आप जान लीजिए हर हाल उनको देना होगा। अंदर बंद कर दिए हैं पुलिस प्रशासन। वही आप जान लीजिए हमारे शिक्षक को कोई तनिक भी रेप आएगा तो पूरा आंदोलन बिहार भर में फैल जाएगा। जान लीजिए आग लगा देंगे पूरा बिहार में। जान लीजिए आग लगा देंगे पूरे बिहार में। पूरा भी कहीं भी पूरा हमारे एक रेप भी लगेगा हमारे शिक्षक पर लोकतंत्र के विरुद्ध में कोई भी घटना होगी तो आप जान लीजिए पूरे शिक्षक है तो इज्जत करना होगा सरकार को। सरकार जो है कोई भी अलोकतांत्रिक काम करेगी तो पूरा बिहार जो है पूरा बिहार। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को करना क्या चाहिए, डिसीजन कब ले लेंगे आप? उनको तुरंत निर्णय लेना चाहिए कि लोकतंत्र में जो नियम है उनके अनुसार उनको वार्तालाप करनी चाहिए और वार्तालाप करके तुरंत जो है आगे भागे पहुंचे हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री को तुरंत जो है निर्णय लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी आप तुरंत जो है निर्णय दीजिए और हम नहीं तो 13 तारीख को हम बड़ा घेराव करने जा रहे हैं, आप इसके लिए तैयार रहिए। शिक्षक बोल दिए हैं कि अगर ध्यान नहीं दिए तो 24 में भी बताएंगे 25 में भी बताएंगे। आप जान लीजिए कि आप जो है जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनके साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है, हाउस अरेस्टिंग हो रहा है, ये गलत है। कहीं भी कोई भी संविधान में आप कहते हैं कि इमरजेंसी क्या आप इमरजेंसी लगा रहे हैं यहाँ पर? आप रात में 2-2 बजे हमारे मित्रानंद जी को अरेस्ट कर लिया गया, हमारे शिक्षक शिवनारायण पाल जी को अरेस्ट किया, क्यों अरेस्ट किया आपने? आप पूरे बिहार से कई जगह से शिक्षकों को अरेस्टिंग करवा रहे, घर से अरेस्टिंग करवा रहे हैं। रात में 2 बजे आपने अरेस्टिंग करवाया है, 3 बजे अरेस्टिंग करवाया है, भोर में अरेस्टिंग करवाया है, ये कौन सा नियम है अरेस्टिंग करवाने का? ये गलत है। शिक्षकों को यहाँ पर घेर कर रखा गया है। ये देखिए ये जो है हिटलर शाही का प्रतीक हमारे माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं। ये हिटलर शाही नहीं चलेगा तो नीतीश शाही कैसे चलेगा? लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जान लीजिए बात को, कहीं भी किसी भी कीमत पर हिटलर शाही नहीं चलेगी। गर्म लग रहे हैं। नहीं हमारे सारे शिक्षक यहाँ पर रोड पर है, उनको प्रताड़ित करने का काम करें, गर्म नहीं लगेंगे। उनके वोट से हम चुनाव जीत गए हैं। और दूसरी बात है कि संविधान में ये ताकत है किसी भी शिक्षक को, किसी भी देश की जनता को, किसी भी नागरिक को लोकतंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से उनको प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। तो प्रदर्शन क्यों रोक सकते हैं? नहीं रोकिए उनको, आप कैसे रोकिएगा? ये डरी हुई है, इमरजेंसी लगा दी है, पूरे अघोषित इमरजेंसी इन्होंने लगाया है। जान लीजिए पूरे बिहार में और पूरे बिहार से शिक्षकों को जो अरेस्टिंग कर रही है, ये अरेस्टिंग नहीं चलेगा और इसका सरकार को जवाब देना होगा। हाउस में हम जा रहे हैं, 2:30 बजे मेरा हाउस शुरू होगा, हाउस में जवाब मांगेंगे सरकार से। जो शिक्षकों को आपने अरेस्ट किया है तुरंत उनको आप नहीं छोड़िएगा तो इसका जवाब आपको देना होगा। जान लीजिए देखिए कि किस तरह से भाजपा के MLC जीवन कुमार पहुंच गए हैं और शिक्षकों के लिए आवाज उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कुछ भी खरोच आया तो पूरे बिहार में आग लगा देंगे। तो देखिए कितने गरम थे। वरना सुनिए तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।